रेडी या नहीं? रेडी मैम साहब। गुड। अच्छा माँ मैं जाऊँ? अरे नाश्ता किए बगैर जा रही हो? चल पहले कुछ खा ले। देख तेरे लिए कचौरियाँ बनवाई हैं। चल। अब कुछ नाश्ता करने का वक्त ही नहीं रहा माँ, 7 बजे तो रवि आएगा। आ जाएगा तो आने दे, वो भी 2-4 खा लेगा। चल ले चल। बड़ी अच्छी लड़की गंगा, गरम गरम कचौरी ले आ। चल बैठ जा बेटी, भूखे पेट बाहर नहीं जाया करते। तेरे लिए पुदीने की चटनी भी बनाई। अब मेरे हाथ से 2 गरम गरम कचौरियाँ खा ले। रवि आया, मैं जाती हूँ। अरे लक्ष्मी नाश्ता तो पूरा कर ले। बहुत देर हो गई है लक्ष्मी, कॉलेज के सब लड़के लड़कियाँ गाली देंगे। टाटा। ये लड़की तो गंगा एक डब्बा ले आ। आ तो रही हूँ, इतना शोर क्यों मचाते हो? इसलिए कि शायद मेम साहब अभी तक सोई हुई हो। मैं सो रही हूँ और आप जाग रहे हैं। बिल्कुल। आ हा हा, देखिए हुजूर आप 3:30 मिनट लेट है। क्या कहा? आप तो हर वक्त लेट रहे हैं। जी मेम साहब जरा घड़ी देख कर बात कीजिए। देखिए 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 3:14 सेकंड। देखिए देखिए आपकी घड़ी आपकी तरह सुस्त है। सुस्त और मैं? अर्जुन मेम साहब जरा अपनी सूरत तो देखिए, मुंह तक नहीं धोया, रात का खाना लगा हुआ है। ठोके बाद आधा बर्द है। आ गई बेटा। नमस्ते माता जी। जीते रहो बेटा। ले लक्ष्मी इसमें मैंने कचौरियाँ डाल दी। अब ये कहाँ ले जाएंगे माँ? मुझे दीजिए माता जी, मेरे पास काफी जगह है। अच्छा बेटा। अच्छा माँ चाचा। हाँ बेटी जरा संभल कर जाना। आप फिक्र ना कीजिए। लक्ष्मी लक्ष्मी पुकारूं मैं वन में, लक्ष्मी आन बसी मोरे मन में, लक्ष्मी आन बसी मोरे मन में, मोरे मन में हो, मोरे मन में हो, मोरे मन में। अरे ओ मच्छी मार खां, ये क्या हो रहा है?
डैडी मुझे परेशान मत करो, मैं लक्ष्मी के बारे में सोच रहा हूँ। तू सोचता ही रह जाएगा, उधर बाजी मात हो जाएगी। मालकिन ने रवि और लक्ष्मी को मेल जोल की इतनी छुट्टी दे रखी है जैसे उनकी शादी का फैसला कर दिया। What? लक्ष्मी और रवि की शादी हरगिज नहीं हो सकती। लक्ष्मी तो बस मेरे हाथ में है। तेरे हाथ में बुद्धू फोटो रह जाएगी फोटो। बरसों से सपने देख रहा हूँ, एक दिन लक्ष्मी की शादी तेरे साथ होगी तो ये लाखों की जायदाद अपने कब्जे में आ जाएगी। मगर आज मालूम हो रहा है रवि हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देगा। रवि? रवि का इलाज मेरे पास है। मगर वो इलाज है क्या? सीधा इलाज है। मुझे रवि ने खुद बताया है कि उसका बाप बड़े पुराने ख्यालात का आदमी है। मैं उस बुड्ढे को एक चिट्ठी लिखता हूँ कि रवि दूसरी जात में शादी करने वाला है, फिर देखो क्या मजा आता है। अरे तो खड़ा मुंह क्या देखता है, चल लिख दे फौरन। अभी? हाँ हाँ अब भी चल। डैडी मेरी मछली। अगर आप लड़के और अपने खानदान की इज्जत बचाना चाहते हैं तो फौरन इसका कुछ इलाज कीजिए, वरना आपका लड़का आपको छोड़कर किसी दूसरी बिरादरी में शादी कर रहा है। तो क्या इसी दिन के लिए उस नालायक को पाल पोस कर बड़ा किया था? बात क्या है ठाकुर भूषण सिंह जी, क्या हुआ? आज से 10 वर्ष पहले मैं अपने एक मरते हुए दोस्त को रवि की शादी का वचन दे चुका हूँ और आज मेरा बेटा दूसरे की दौलत देख कर घर जमाई बनने जा रहा है। घर जमाई? अजी तो फौरन रोक दीजिए उसे, वरना रवि की जिंदगी तबाह हो जाएगी। ठाकुर साहब अगर आप बेटे की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो फौरन तार देकर उसे बुलवा लीजिए और जहां आपने तय कर रखी है वहीं उसकी शादी कर दीजिए। अब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा लाला जी, बुराई को बढ़ने से पहले ही उसकी जड़ काट देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मेरे ही दामाद को देख लीजिए ना, जब से मैं उसे घर जमाई बनाकर लाया हूँ पट्टा कामकाज का नाम ही नहीं लेता, आराम से ससुर के घर में बैठकर हलवा पूड़ी उड़ा रहा है। अब तो मैंने तंग आकर उसे घर से ही निकाल दिया और कह दिया कि बेटा जब तक काम काज न लगे घर में मुंह नहीं दिखाना। ठाकुर साहब जो भी घर जमाई बना दीन और दुनिया दोनों से गया। बापू अब आप आराम कीजिए ना। तो पहले तो मुझे पान तो बना कर दे। क्या हुआ है? कौन है बे? बाबूजी। अरे रामस्वरूप तू यहाँ शुतुरमुर्ग क्यों बना हुआ है? बाबूजी मेरे 5 रुपए खो गए इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। 5 रुपए? हाँ। ये 5 रुपए तेरे पास आए कहाँ से? बेटी सरोज बापू तूने इसने खट्टू को रुपए दिए? नहीं तो बापू मैंने नहीं दिए। राम स्वरूप तू अंदर आ। अंदर आ। मैं अंदर आऊं? हाँ हाँ तू अंदर आ। अब ये बता कि तेरे पास रुपए थे या तू सरोज से रुपए लेने आया था? सच सच बोलना। सच सच बताओ बाबूजी। हाँ बाबूजी किसी जेब कथे ने मेरी जेब काट ली। अरे मुझे बना रहा है तू? खुद जेब काट कर आया और मुझसे कहता है जेब कट गई? झूठा बेईमान कहीं का। मैंने तुझसे बार बार कह दिया था कि बेटा जब तक नौकरी न लग जाए इस घर में कदम नहीं रखना है। बात चल जाता। हाँ एक 10 रुपए दो। 10 रुपए दूँ? हाँ यहाँ रुपए बनाने की मशीन लगी हुई है। बाबूजी आप समझते क्यों नहीं है, मेरी जेब कटी हुई है, मैं खाना कहाँ से खाऊंगा? तू जहन्नुम में जा। बाबूजी बेटी तू मुझे बार बार लाचार किए देती है। अच्छा ये ले मगर याद रखना अब जब तक नौकरी न लग जाए इस घर में कदम नहीं रखना वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छी बात। हाँ नमस्ते। सुन लिया? बापू थोड़ा सा खाना तो खा लेने दिया होता। बेटी मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब तेरे भले के लिए, अगर इस वक्त मैं सख्ती नहीं करूंगा तो ये जिंदगी भर काम नहीं कर सकेगा। तुम्हें भूख लगी है तो खाना लाऊं? अरे खाने से ज्यादा तो तुझे देखने की भूख लगी है। जाने जरा पास आकर बैठ। आ कितनी अच्छी लग रही हो सरोज तुम। अरे क्या करते हो, बापू ने देख लिया तो? बापू ने देख लिया तो क्या हुआ,
हमारी शादी हुई है, तुझे भगा कर थोड़ी लाया हूँ। सरोज, मैं बहुत सोचने के बाद एक नतीजे पर आया हूँ। क्या? वो ये कि इंसान को मोहब्बत करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों जी? शादी के बाद तो बहुत ही झंझट है, नौकरी करो, पैसा कमाओ, घर में आटा दाल राशन ले आओ, कुवारपन की मोहब्बत की क्या बात है। ना आटे का गम, ना दाल की फिक्र, छुप छुप के मिलो, मोहब्बत के गीत गाओ, ऐश करो। दो नैन मिले, दो फूल खिले, दुनिया में बहार आई, एक रंग नया लाई, एक रंग नया लाई। दिल गाने लगा, लहराने लगा, ली प्यार ने अंगड़ाई, बजने लगी शहनाई, बजने लगी शहनाई। दो नैन मिले, हो जाए न दुस्वा इश्क कहीं, दुनिया है बुरी दुनिया से डरो, दुनिया है बुरी दुनिया से डरो। दुनिया का मुझे कुछ खौफ नहीं, दुनिया तो है हर जाई, और इश्क है सौदाई, और इश्क है सौदाई। दो नैन मिले, जुल्फों की घनी छाओ में सनम, दम भर के लिए जीने दे मुझे, इस मस्त नजर की तुझको कसम, आँखों से जरा पीने दे मुझे, आँखों से जरा पीने दे मुझे। पीना तो कोई दुश्वार नहीं, ओ प्यार की शहदाई, बहके तो है रुसवाई, बहके तो है रुसवाई। दो नैन मिले, दो फूल खिले, दुनिया में बहार आई, एक रंग नया लाई, एक रंग नया लाई। दो नैन मिले, आपका एक तार आया है। किसका तार है? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे फौरन बुलाया। ये अचानक क्या हो गया? पता नहीं, पिछले हफ्ते तो खैरियत की चिट्ठी आई थी। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, आओ जरा बैठो। नहीं लक्ष्मी, अभी वक्त है, मैं रात की गाड़ी पकड़ सकता हूँ। अच्छा मैं जाता हूँ। सुनो, मुझे बहुत परेशानी रहेगी, अपने शहर पहुँचते ही मुझे टेलीफोन कर देना। हाँ जरूर करूँगा। माफ कीजिएगा, ये अटैची आपकी है? जी ये अटैची आप। ओह हाँ हाँ, शुक्रिया। ये गाड़ी इलाहाबाद कितने बजे पहुँचती है? जी सुबह 10 बजे। आप पहली दफा जा रहे हैं क्या? जी हाँ, वहाँ मेरे एक दोस्त की बहन की शादी है। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। ओ, आप वहीं रहते हैं? जी हाँ, वैसे दिल्ली पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए घर जा रहा हूँ।
और बनारसी साड़ी? अरे भोला जी, अरे उस कपड़े वाले ने अभी तक बनारसी साड़ी नहीं भेजी है, जाओ से बुला के ला। अच्छा मालिक। बापूजी, अरे तू आ गया बेटा। जीते रहो जीते रहो। ये सब क्या है बापूजी? और आपका वो तार? तार वो तो सब ठीक है मगर बेटा तू इतने लंबे सफर से आया है, चल अंदर चल, कुछ खा पी ले। मगर अंदर चल अंदर। अब पूछ, क्या पूछना चाहता था? आपने वो छोटा तार क्यों दिया मुझे? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ फौरन बुलाना चाहता था। मगर किस लिए? कल हम सब सुबह इलाहाबाद जा रहे हैं। इलाहाबाद? मगर क्यों? इसलिए कि कल वहां तुम्हारी शादी का मुहूर्त। शादी? मगर आपने मुझसे पूछे बगैर ये शादी तय कैसे कर दी? जब ये शादी तय हुई थी तब तू बोलना भी नहीं जानता था, पूछता किससे? और बाबूजी, मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि शहर की उस परी ने तुझे अंधा बना दिया, इसलिए। बाबूजी चुप रहे। जिस छोकरी ने तुझे मजनू बना रखा है उसके बारे में सब सुन चुका हूं। बाबूजी, आप एक नेक और मासूम लड़की की तौहीन कर रहे हैं। उस नेक और मासूम लड़की की तौहीन से इतना तड़प गया जिसे जाने मुश्किल से अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ, और जिस बाप ने 26 बरस तक एक गुलाम की तरह तेरी सेवा की, कड़कती धूप और बरसती बरसातों को अपनी पीठ पर झेलकर तुझे कमल की तरह महफूज रखा, उस बाप की तौहीन करते हुए तुझे जरा रंज नहीं हो रहा? एक लड़की और अपने बाप में यही तमीज करना सीखा है तुम? नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा मतलब ये नहीं है, मैं उस लड़की को शादी का वचन दे चुका हूँ बाबूजी। और अगर तुम्हारा ही सवाल मैं पूछूं कि मुझसे बगैर पूछे तूने वचन क्यों दिया, तो शायद ये कहोगे कि बुढ़े अब मैं तेरा छोटा सा रवि नहीं रहा जो तेरा हुक्म मानू, अब मैं जवान हो गया हूं, आजाद हो गया हूं। नहीं नहीं बापूजी, भगवान के लिए ऐसा मत सोचिए, मैं आपका वही छोटा सा रवि हूं बापूजी, मैं वही छोटा सा रवि हूं। तो फिर तूने मुझसे बगैर पूछे ये वचन क्यों दिया? क्योंकि मुझे यकीन था कि जिस तरह बचपन से आज तक मेरे बापूजी मेरी हर जिद को मानते आए उसी तरह आज भी मेरी बात मान लेंगे। आपके प्यार के भरोसे मैंने वचन दिया है बापूजी, ये सोचकर दिया कि अपने रवि की एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए आप अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, बस इसी भरोसे पर मैंने वचन दिया है बापूजी। इसी भरोसे पर वचन दिया है तूने? हाँ बापूजी। तो जा वहीं शादी कर ले। मैं जानता था आप हाँ कर देंगे बापूजी, मैं जानता था आप हाँ कर देंगे, मगर इस हाँ की कीमत देनी पड़ेगी। कीमत? कैसे कीमत? बहुत बड़ी कीमत बापूजी। रवि इधर आ, जानते हो ये कौन है? जी हाँ, आपके एक दोस्त की है जो मर चुके हैं। जानते हो ये कैसे मरा? नहीं बापूजी। इस बंदूक से? इस बंदूक से? ये तो आपकी बंदूक है। हाँ ये मेरी बंदूक है। ये उस वक्त की बात है जब मुझे शिकार का बहुत शौक था। ये करीब मेरा शिकारी था, एक दिन गलती से मेरी इसी बंदूक का निशाना हो गया। मरते वक्त इसे अपनी बच्ची का बहुत गम था। उस वक्त मैंने इसे वचन दिया था कि तेरी बच्ची की शादी मैं करूंगा और अपने लड़के के साथ करूंगा। राम सिंह, आज मैं मजबूर हूं दोस्त, अपना वचन पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लड़का किसी दूसरी जगह शादी करना चाहता है। लेकिन ठाकुर बसंत सिंह का वचन उसकी जिंदगी में झूठा नहीं हो सकता। उसके टूटने के पहले ही राम सिंह मैं अपने प्राण दे दूंगा। आपका वचन पूरा होगा बाबूजी, आपका वचन पूरा होगा। रवि मेरे बच्चे। रवि मनोहर। हे वाह यार, तुम्हारे आने से मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तू क्या समझता था कि मैं नहीं आऊंगा? नहीं नहीं ये बात नहीं,
अनबत्ता में सोचता जरूर था कि तुम इतने बड़े डॉक्टर बन गए हो, मसूरी में अपना काम काज छोड़कर यहाँ कैसे आओगे? कैसी बातें करता है, कॉलेज की दोस्ती क्या इतनी कच्ची होती है? मगर ये तो बता, मिठाई के वास्ते पहुँच गया ना, देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं, शादी तो अभी होने वाली है, आओ दूल्हा तो देखो। अरे अभी से शर्माने लगे, जरा मुखला तो दिखाओ। देख तेरा दूल्हा आ गया। पार्वती, पार्वती आओ चलो। माँ इसे आशीर्वाद दो, माँ इसका सुहाग अटल रहे और ये अपने घर में हमेशा सुखी रहे। ओम गणानां का गणपति भवामहे कवीं कवीदां उपवत्सरम्। खैरिये पंडित जी, ये शादी अभी नहीं हो सकती, लड़की के भाई ने पूरा दहेज नहीं दिया है। ये क्या कर रहे हो काका? मैं तो आपसे पहले ही प्रार्थना कर चुका हूँ कि कुछ कमी रह गई है, 6 महीने में पूरी हो जाएगी। अरे भैया ये किस्सा किसी और को बताना, दहेज उधार नहीं होता। इस वक्त मेरी लाज रख लो, मैं वादा करता हूँ कि कहीं से कुछ भी करके ये कमी 6 महीने में पूरी कर दूंगा। लेकिन इस वक्त भरी सभा में मेरी इज्जत न लूटो। ऐसा ही इज्जत का पास था तो किसी घसियारे के छोकरे से ब्याह कर दिया होता बहन का। पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी में लगा हुआ लड़का ढूंढने निकले थे तो इसकी कीमत भी जेब में रखनी थी बेटा। तुमसे 5,000 ज्यादा देने वाले कई रिश्ते मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं इस वक्त, समझे मनोहर? 5,000 ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता लारा जी, इंसान की इंसानियत की उससे भी ज्यादा कीमत होती है। अपनी बहन की शादी के लिए भाई के दिल में कितनी उमंग होती है, उसके लिए इसने क्या कुछ नहीं किया होगा। चंद रुपयों के लिए किसी की जिंदगी किसी की खुशी तबाह मत कीजिए। अरे जाओ जाओ, बड़े इंसानियत का सबक सिखाने आए हो मुझे। इसकी पढ़ाई में मेरे 20,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, वो कौन पूरा करेगा? सुन लो मनोहर, अगर 2,000 नग और इसी वक्त दे सकते हो तो ये शादी होगी, वरना बारात अभी वापस जाए। नहीं नहीं काका, ये जुल्म मत करो, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अगर 2,000 रुपए आपकी शराफत का मोल है तो मैं आपसे वादा करता हूँ 2,000 रुपए मैं आपको भेज दूंगा। अरे वादा तो सभी करते हैं पर बाद में कोई देता नहीं, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए बेटा। ये सूट अभूत का रोप किसी और को देना, बहुत देखे ऐसे सूट वाले। चलो दीपक, चलो सब कोई चलो, उठो मुंह क्या ताक रहे। नहीं काका, काका दया करो मुझ पर, नहीं तो बेचारी मासूम पे दया करो, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरी सजा इसको मत दो काका, इसे मत दो। ये नाटक स्टेज पर जाके दिखाओ, पैसे कमाओ। नहीं काका, काका मनोहर उठो दोस्त। गोपाल इसमें दुख की कोई बात नहीं है, जिन्हें तुम इंसान समझकर अपनी बहन दे रहे थे उनके राक्षस होने का ठीक वक्त पर ही पता चल गया। समझ लो तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नहीं गोपाल, इस बेचारी की जिंदगी तो खत्म हो गई, हमेशा के लिए बर्बाद हो गई बेचारी। तुम नहीं जानते गोपाल, ये मर जाने का दिन है, मर जाने का दिन है। एक भाई के लिए डूबने का वक्त आ गया। हिम्मत से काम लो मनोहर, हिम्मत से काम लो। दुनिया की कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसका हल ना हो। इस समाज और इस देश में इसका कोई हल नहीं गोपाल, मैं सच कहता हूं, मेरी पार्वती की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। अब इस अभागिन से कोई शादी नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करेगा। ऐसी बात है मनोहर तो मैं उससे शादी करने को तैयार हूं, मैं उससे शादी करूंगा। हाँ मनोहर, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं शादी करने को तैयार हूं। नहीं ये सच नहीं हो सकता गोपाल, मेरी पार्वती ऐसे नसीब लेकर नहीं आई कि तुम जैसा देवता पति उसे मिले। मेरा मजाक मत उड़ाओ मनोहर, ऐसे नाजुक वक्त में मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। Thank you.
पार्वती, पार्वती। शीला, मनोहर, बाबूजी, बाबूजी, सरोज, बापू रवि की शादी में इलाहाबाद अकेले गए, मुझे नहीं किसी ने कहा। अरे बापू कहाँ गए? वो तो यही है। हाँ, बापू यही है। घबराते क्यों हो? जल्दी जल्दी खा लो ना। सरोज बेटी। बाबू, बाबू, बाबू आ गए। जल्दी 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 जाओ। अरे चले जाओ ना, जल्दी। सरोज बेटी आ गए। बापू जी खाना लगा दो। नहीं बेटी, वो रवि के बारात आने का समय हो गया है, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। पर बापू यहाँ से कहाँ, यहाँ से जाइए ना। बेटी कई दिन हो गए नहाए, मैं सोचता हूँ जरा नहा धोकर तब जाऊँगा वहाँ। पर बापू नहाने की क्या जरूरत है, ठंड लग जाएगी। नहीं बेटी, मैं पानी गर्म की लेता हूँ ना, तू काहे को घबरा रही है? तू मेरे लिए धोती और गमछा लेके आ। बापू मेरे, पर बापू मेरी बात तो सुनो बापू, फिर से बुखार आ जाएगा। बेटी तू फिक्र मत कर, भगवान सब अच्छा करेंगे। उसमें पानी है कि नहीं? नहीं बापू पानी नहीं है। तो मैं नल खोले देता हूँ, तू जरा आग जला ले। ये नल भी एक मुसीबत। अरे तू खड़ी खड़ी मुंह देख रही है, आग तो जला दी होती। बापू, बापू। माचिस दे, माचिस दे मुझे। बापू माचिस नहीं है बापू, बाजार से ले आओ ना बापू। बापू, 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 बस करो बापू, पानी उबलने लग गया। खैर जा बेटी, मुझे जल्दी जाना, क्या करती है तू? बापू साला घास में खत्म कर दोगे क्या? अरे खैर भी जा तू। बापू बस करना। बस बापू, बस बापू, बापू। काका, काका बहुत बुरी खबर है। है? क्या हुआ? रवि भैया की बारात जिस गाड़ी में आ रही थी, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है? बड़े ठाकुर साहब मर गए और बहुत से बाराती भी मर गए। भगवान, बेटी सरोज जल्दी चल बेटी। चलो बापू। जल्दी चल बेटी। रवि, रवि बेटा। काका। मेरे ठाकुर को कहाँ छोड़ा है बेटा? घबरा नहीं बेटा, घबरा नहीं तू, अभी मैं जिंदा हूँ बेटा, अभी मैं जिंदा हूँ। हाय हाय, ठाकुर साहब तो ऐसी बहू लेने गए कि खुद ही संसार से चले गए। अरे बहना बहू थोड़े ही है, ये तो डाइन है डाइन, आते ही ससुर और बरातियों को खा गई। लच्छू की माँ, तुम यहाँ मातम करने आई हो या बहू को गालियाँ देने? भला इसमें इस मासूम का क्या दोष? बहू तू इन लोगों की बात पर कान नहीं देना। बेटी सरोज बहू को अंदर ले जा, अंदर ले जा। अच्छा बाबू। क्या भाती, दुनिया तो हमेशा आग लगाने की बात करती है, किसी का दोष ना भी हो तो उसे दोषी बना सकती है। तुम इन लोगों की बात में मत जाओ और अपने घर और अपने पति का ख्याल करो। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कौन? रवि भैया? मेरे भैया ऐसे नहीं जो लोगों की बातों में आ जाए। इन कुछ दिनों बाद जब तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी तो फिर तुम ही कहोगी तुम्हारे भैया कितने अच्छे हैं। अच्छा अब आंसू पोंछ दो और अपना घर संभालो। माँ। अरे गोपाल तू आ गया बेटे। हाँ माँ। तूने आने का कोई तार भी नहीं दिया।
मैंने जब से सुना है किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तब से परेशान थी। क्या बात है, ये कैसी हालत बना रखी है? तेरा सामान अमन कहाँ है? ट्रेन में सब कुछ खो गया माँ। ट्रेन में? तो क्या तू भी उसी ट्रेन में था? हाँ माँ। मेरा लाल, मेरा बच्चा, मैं अब कभी तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। मैं अभी भगवान का प्रसाद चढ़ाती हूँ। अरे नंदू, ओ नंदू! जल्दी से 125 रुपए के पेड़ ले आ, गोपाल आ गया है। अच्छा माँ जी। शादी में गया था, फिर उसकी तस्वीर देखकर रो क्यों रहा है? मनोहर शायद अब इस संसार में नहीं है माँ। क्यों, क्या हो गया? शादी के बाद मनोहर और उसकी बहन मेरे साथ उसी गाड़ी में आ रहे थे, एक्सीडेंट में दोनों खत्म हो गए। छी 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 छी, कितना बदनसीब दूल्हा मिला होगा जो शादी होते ही भाई बहन को खा गया। उस लड़के बड़े बदसुगने होते हैं बेटा। वो बदनसीब मैं ही हूँ। क्या कह रहा है तू? तूने शादी भी की और बहू मर भी गई, ये सब कैसे हुआ गोपाल? ये सब कैसे हुआ? तुम जरा धीरे से काम करो, मैं सब कुछ बताता हूँ। कोई बात नहीं भाभी, सुहाग रात को ऐसा होता है, दिल धड़कता है पर आंखें पिया को चारों तरफ भूलती है। देख मेरी तरफ देखना, इन आंखों में पिया की तलाश है कि नहीं? हाय, अगर यही अदा रही तो आज रवि भैया लुट गए। गुड़ी घूंघट में मुखड़ा छुपाओ ना, ये तो तू काहे को शर्माती है, ये घड़ी रोज नहीं आती है, आने वाले है पिया मिलने को, फूल है दिल के तेरे खिलने को। तुझको रसिया की नजर लूटेगी लूटेगी, आज नैनों की शर्म टूटेगी। छुपाओ ना, ये तो नैना लड़ाने की रात
आओ ना भैया। ओफो ये सरोज बहुत ही शरीर लड़की है, मेरे ख्याल में इसने तुम्हें भी काफी परेशान किया होगा। बैठ जाओ ना। शादी में तो तुमने इतना लंबा घूंघट निकाल रखा था कि मैं तुम्हें देख ही ना सका। अब तो इसे हटाओ। मुझे तो तुमने देख ही लिया होगा। कैसे दिखती? क्यों? वो लोग जब बारात वापस ले गए, मैं तो बेहोश हो गई थी। अगर उस वक्त आपको इस अभागन पर दया ना आती तो भैया और मैं दोनों मर जाते। भैया? तुम्हारे भैया? मनोहर भैया। अच्छा, मेरी तरफ देखो। तुम इन्हें पहचानती हो? एक्सीडेंट हुआ है ना, मेरा सर बार बार चकराने लगता है, जैसे कि मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मैं कौन हूं, तुम कौन हो? अच्छा, तुम्हारा नाम तो पार्वती। क्या हो रहा है आपको? कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। आंखों के आगे कुछ अंधेरा सा छा रहा है। तो आप आराम कीजिए, मैं सरोज से कहकर डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। काका, बहुत बड़ी गलती हो गई। काका, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बेटा? काका, वो लड़की मेरी पत्नी नहीं है। हैं? क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ काका, ट्रेन एक्सीडेंट में से किसी दूसरी लड़की को साथ ले आया हूँ। पर ये तुम्हें मालूम कैसे हुआ? उसकी बातों से, ये ठाकुर राम सिंह की बेटी नहीं है, ये तो उन्हें जानती तक नहीं। राम राम, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया बेटा। अब होगा क्या? यही तो मुझे भी चिंता है काका। अच्छे घराने की लड़की है, और अगर उसे असलियत बता दूं तो ये जानकर कि किसी पराए मर्द को अपना पति मानती रही, मारे शर्म के वो अपने प्राण दे देगी। अब तुम ही बताओ काका, मैं करूं क्या? करना क्या बेटा, तूने उसे नहीं बताया, यही ठीक किया, बड़ी अकल की बात की। पर काका, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। बोल बेटा, तू जो कहे मैं करने को तैयार हूँ। मैं इसके भाई और पति की तलाश में जाता हूँ, मगर मेरे इस तरह अचानक चले जाने से मोहल्ले भर में चर्चा होगी, इसलिए आप पार्वती, रामस्वरूप और सरोज को लेके सीधे दिल्ली चले जाइए। दिल्ली? जी हाँ, वहाँ मेरा किराया का एक छोटा सा मकान है, आप लोग वहाँ जाकर ठहरिए, तब तक मैं इनके घर वालों की तलाश करता हूँ। अच्छी बात है बेटा, चले जाएंगे। मगर काका, हाँ, ये बात रामस्वरूप और सरोज को भी बताना चले, वरना। तू चिंता मत कर बेटा, ये बात मेरे, तेरे और भगवान के सिवाय कोई नहीं जान सकता। बस बस, हम लोग सुबह की गाड़ी से चले जाएंगे। बापू। बेटी। ये भैया रास्ते कहाँ चले गए? उन्हें कुछ काम था बेटी। ऐसा भी क्या काम बापू? कुछ जरूरी काम था बेटी, इसलिए गए हैं। भाभी, तुमसे कुछ कहा नहीं? लो, दूल्हे का पता पूछ रहे हैं। अरे साहब, उसका पता इस मोहल्ले में तो क्या सारे शहर में किसी को नहीं मालूम। वो तो मनोहर का दोस्त था, न जाने कौन था, कहां से आया था, और ये शादी कुछ ऐसी गड़बड़ में हुई कि किसी को होश ही नहीं रहा कि दूल्हे का पता ठिकाना पूछे। अगर आप लोगों को कोई इतराज ना हो तो जरा घर खोल कर देखे, शायद उस लड़के की कुछ फोटो वोटो मिल जाए जिससे कुछ पता चले। लो भला, हम लोगों को क्या इतराज हो सकता है, मनोहर हमेशा चाबी काका को देकर जाता है। काका, जरा मकान तो खोलो। चलिए। देख लो भैया, ये है मनोहर का कमरा। यहाँ ये मनोहर की माँ की फोटो है, और ये मनोहर की, और तो कोई फोटो वोटो नजर आता नहीं। यही है मनोहर की तस्वीर? हाँ, उसी की तो है। माफ कीजिएगा,
मैं ये इश्तेहार आपके अखबार में देना चाहता हूँ और प्लीज इसके साथ ये तस्वीर भी छाप दीजिएगा। अच्छी बात है। तुम्हारे वो आ गए। कमाल है, थक बोलती हूँ। मेरे भैया इतने दूर से आए हैं, मुँह हाथ धोना होगा, कपड़े बदलने होंगे, ये सब काम कौन करेगा जी? मुझे बहुत काम है। अरे छोड़, बहाने क्यों बनाती है? काम है या उन्हें अपना गुस्सा दिखाना चाहती हो? गुस्सा किस बात का? मैं सब समझती हूँ। सुहाग वाली रात को अकेली छोड़ गए थे इसीलिए नाराज हूँ ना। मुझे तंग मत करो। सुन भाभी, तुझे एक शिक्षा की बात कहूँ। मर्द को इतना मान अच्छा नहीं होता। पति को अपने बस में करने के लिए औरत की खूबसूरती या उसका मान काम नहीं आता, सेवा काम आती है, सेवा। समझी? अगर तू सुख से जीवन बिताना चाहती है तो कभी इस बहाने कभी उस बहाने अपने पति के आस पास रहना सीख। समझी पुत्र? चल अब जा, चल चल। नहीं नहीं पार्वती, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। क्यों? इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हो सके इंसान को अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। तुम्हारे एजी से मुलाकात? छी, शरीर के। छी क्या? कुछ तो बातें हुई होंगी। कुछ नहीं। ए भाभी सुन तो, कुछ तो बताती जा। अच्छा मत बता भाभी, मैं भी तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ बड़ी चालाक है। वहां रख दो ना। अच्छा अच्छा लाओ मुझे दे दो। देख मैं आ गया। अरे ये तो क्या लाए हो? मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी? नौकरी? अरे दिल्ली में ऐसा कौन सा बेवकूफ है जो तुम्हें नौकरी दे दिया? अरे पगली, दिल्ली में बेवकूफ नहीं रहते, सब समझदार रहते हैं। देख रवि भैया ने जिस सेठ के नाम मुझे सिफारिश की चिट्ठी दी थी ना, हाँ? उसने चिट्ठी पढ़ते ही फौरन नौकर रख लिया और 50 रुपया एडवांस भी दे दिया। 50 रुपए? हाँ, पहली कमाई में पहली साड़ी। साड़ी? मैं? देख सरोज, अभी तुझे दिल्ली वाली बन के रहना पड़ेगा, ये बरेली का घाघरा नहीं चलेगा। चल पहन देखूं। शाबाश। हाय कितनी अच्छी लग रही है तू। क्या करते हो? भाभी ने देख लिया तो? अरे देख लिया तो क्या हुआ, तू मेरी बीवी है। बापू आ गए। बापू आप तरकारी ले आए? हाँ। अरे रवि बेटा तुम कब आए? अभी आया हूँ काका। रवि, थैंक यू रवि भैया, थैंक यू। अरे कमाल का खत दिया तुमने, उस सेठ ने खत पढ़ते फौरन मुझे नौकरी दे दी। चलो अच्छा। नौकरी? तुझे नौकरी मिल गई? हाँ बापू, मुझे नौकरी मिल गई है और क्या शानदार दफ्तर में मिली है। आप देखेंगे ना तो गश खा जाएंगे। अच्छा? हाँ, अरे वहाँ बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जगह जगह बिजली के हवादार पंखे हैं, और बापू वहाँ फाइल ले जाने के लिए एक नौकर, पानी पिलाने के लिए एक नौकर, वहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन रवि भैया एक चीज की कमी है। किसकी? चारपाई नहीं है वहाँ। अगर वो लोग चारपाई भी रख देना तो ठंडी हवा में सोने का बहुत मजा आएगा। तो बेटा एक काम कर। क्या बापू? कल मैं तेरे दफ्तर आऊंगा और तेरा बिस्तर भी लेता आऊंगा, तू आराम से सोना और मैं तुझे लोरियां सुनाऊंगा। वेरी गुड बापू, वेरी गुड बापू, वेरी गुड बापू, वेरी गुड बापू। अबे उल्लू की दुम, दफ्तर काम करने की जगह होती है, आराम करने की नहीं। बापू ये महाभारत पीछे करते रहना, पहले खाना तो खा लो। खाना? रवि भैया मैं आज काम करके आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। एक्सक्यूज मी बापू। चलो बेटा खाना खा। बस 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 क्या कर रही हो? कोई बात नहीं, थाली में पड़ा रहने दो।
मगर इस तरह अनाज जाया करने से क्या फायदा? खाना जाया नहीं होता भैया, इसी थाली में भाभी खा लेगी। पार्वती? नहीं नहीं, पार्वती इस थाली में क्यों खाएगी? रवि भैया, अरे तुम नहीं जानते, औरतों को पति की थाली में खाने का बहुत मजा आता है। ये सब पुराने ख्याल है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा भाभी, राम राम। अजीब उलझनों में जिंदगी फंस गई है काका, न जाने ये गुत्थी कब सुलझेगी। बेटा, जब किसी की भलाई करने चले हो तो इन छोटी छोटी उलझनों से क्यों घबराते हो? मैं उलझनों से नहीं घबराता हूँ काका। फिर मुझे इस बेचारी पर तरस आता है, कितनी मासूम है, ये नहीं जानती कि तकदीर ने इसके साथ कैसा मजाक किया। बेटा, भगवान करे तेरी कोशिशें जल्दी कामयाब हो। हाँ काका, इसका पति मिल जाए और ये गरीब अपने घर जाकर सुख से रहे, मेरी तो सिर्फ यही प्रार्थना है। तो इसका मतलब ये हुआ रवि भैया कल रात कमरे में सोए नहीं। अच्छा, शादी के बाद तेरी उनसे बातचीत हुई है? नहीं। सरोज, शायद मैं उनके लायक नहीं, मुझ में कोई कमी जरूर है। छी, कमी तुम में नहीं, रवि भैया की नजर में जरूर कमी है, जिन्हें ये चांद का टुकड़ा दिखाई नहीं देता। अच्छा भाभी, रवि भैया तुमसे किसी बात पे नाराज नहीं है? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। अरे बहना, इन मर्दों का कोई पता नहीं चलता, औरत का दोष हो या ना हो, जब जी में आता है रूठ जाते हैं। भाभी, मेरी एक बात सुन। क्या? आज तो उनका दामन पकड़ के पूछ ही ले, मेरा क्या दोष है, उनसे क्यों रूठे रूठे फिरते हो? अगर वो खड़ी भर मेरे पास बैठे तो उनसे पूछू ना, वो तो मेरी परछाई से भी दूर भागते हैं। इसका भी इलाज मेरे पास है। देख, बापू तो घर में है नहीं, रहे हम दोनों भी नाटक वाटक देखने चले जाते हैं, फिर वो आंगन में आए चाहे छत पे, जब तक तू उन्हें मना न ले उनका पीछा नहीं छोड़ना। हाँ सरोज, जल्दी करो, मुझे दफ्तर को देर हो रही है। आई जी, अभी मैं इनसे कहके सारा इंतजाम करवा देती हूँ। अच्छा सुनो। हैं, भगवान खैर करे, आज तुम हंसती भी आ रही हो। क्यों जी, तुमको मेरी हंसी भी अच्छी नहीं लगती है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, जब औरत हंसती है तो मर्द की पॉकेट कटती है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे। मतलब ब्लाउज चाहिए। क्या करते हो जी? मतलब साड़ी चाहिए। लेकिन आज की हंसी हमारे समझ में नहीं आई। देखो जी, आज तो मुझे अपने साथ नाटक देखने ले चलो ना। है, ये बुखार कब से चढ़ा? तुम समझते क्यों नहीं हो जी? समझाओ ना जी। हाँ, ये बात है। क्या करते हो? अठन्नी, खुश जा। लाइन में जाओ। अरे बाप रे, कितनी लंबी लाइन है, लाइन में खड़े रहेगा तो एक घंटा लग जाएगा, और हम नौकरी वाला आदमी है। तुम झगड़ा क्यों करता है, लाइन में जाओ। इडियट कहीं का। तुम अपना काम करो। और शराब, यू शट अप, शट अप। अच्छा हम शट अप। गोरखा जी, मेहरबानी होगी। नहीं मैं तो। तुम धक्का किसको मारता है?
चाकू बता रहा है। कितने पैसे? चार आना। हमको तीन टिकट मांगता है, जरा अच्छा सीटो। दो टिकट देना प्लीज। मगर आपने तीन टिकट मांगे हैं तो तीन टिकट दे दीजिए। ये लीजिए छह रुपए। रुपए रुपए जी हाँ। भगवान आज का दिन तो बहुत अच्छा है, हमेशा ऐसे ही दिन लाना। जनाब आज का दिन बहुत बुरा है, ये आपके बाबा के पैसे हैं, बाबा का टिकट है ये। आपके बाबा के टिकट? जी नहीं, आपके बाबा का। हाँ, हमारे बाबा के तो है। अरे अरे उसको जाके पूछ किसके पास है। अरे तू जाके पूछ, तुझे पूछना हो तो भाई क्यों नहीं। इस रूप को देखकर तो देवता भी मोहित हो जाएंगे, फिर भैया किस गिनती में है। जी चाहता है एक बार चूम लूं। ए भाभी सरोज, अरे कहाँ हो तुम? जी अरे सरोज जल्दी करना, जाने का टाइम हो गया। ये लोग कहाँ जा रहे हैं पार्वती? नाटक देखने। नाटक? अरे राम स्वरूप, क्या है? हमारा नाटक देखने अकेले ही जा रहे हो? हाँ आज हमें अकेले ही जाना है। मगर क्यों? ये राज की बात है, मैं तुझे नहीं बता सकता। अरे सुन तो सही, मैं तो खुद तुम सबको नाटक में ले जाने के लिए आया था। क्या? हाँ। तो यार पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो टिकट भी खरीद ली। और कोई बात नहीं, वह चल के किसी को भेज देंगे, नहीं तो मैं पैसे दे दूंगा। रवि यू आर ग्रेट। सरोज क्या बताऊं, अरे आज मुफ्त में काम हो गया। क्या हुआ? रवि आज हम सबको नाटक दिखा रहा है। हाय राम, तुम तो बिल्कुल बुद्धू आदमी हो जी। मैंने क्या किया? तुमने तो सारी बात ही चौपट कर दी। वो कैसे? तो बताओ। एक छेला कहने लगा वो तेरे सामने तो
यहाँ तो कोई टैक्सी दिखाई नहीं देती। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उधर देखता हूँ। रवि। लक्ष्मी तुम? नमस्ते माता जी। तुम दिल्ली में हो और मुझे खबर तक नहीं? मैं तो आज ही आया हूँ लक्ष्मी। लेकिन इतने दिनों से कोई खबर नहीं, कोई खत नहीं लिखा, आखिर बात क्या है? तुम्हारे पिताजी तो ठीक है ना? मैं तुम्हें खबर देकर परेशान नहीं करना चाहता था लक्ष्मी, उनका स्वर्गवास हो गया। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ बेटा। मैं तो लक्ष्मी से कह रही थी जरूर कुछ बात होगी जो तुमने खत नहीं लिखा। चलो घर चलो, बहुत परेशान दिखाई देते हो। इस वक्त नहीं, मेरे साथ कुछ लोग हैं। तो सुबह आओगे? हाँ। जल्दी आना, मैं नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, जरूर आना बेटा। हाँ माता जी। राम राम। हेलो पार्वती। कुछ नहीं, थिएटर के बंद हॉल में बैठे बैठे सर चकराने लगा है, इसलिए जरा खुली हवा में लेटने को जी चाहता है। इतने तुम सो जाओ। तो बारिश में भीगना बहुत ही अच्छा लगता है। मगर तुम कहाँ चली आई? जाओ जाओ नीचे जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते, तो मैं यहाँ रहती हूँ, आप नीचे चले जाइए। मेरी वजह से आप अपने आप को इतना दुख क्यों देते हैं? अरे अभी ये क्या करती हो? अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो क्षमा कर दो। अच्छा बाबा, मैं नीचे चलता हूँ, चलो उठो। गोपाल ले बेटा चाय। माँ, वो तो मैं कहना भूल ही गया था, मैं रात की गाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ, जरा मेरा सामान तैयार कर देना। दिल्ली? फिर ट्रेन में जाएगा? अरे कोई सभी ट्रेन का एक्सीडेंट थोड़े हो जाता है। अच्छा तो फिर मैं भी चलूंगी तेरे साथ। तू एक दिन के लिए जाके क्या करेगी? बहुत दिनों से जमुना स्टैंड की इच्छा है मेरे मन में। जानता हूँ माँ, जानता हूँ। कुछ भी हो,
मैं जरूर जाऊंगी, बस। अच्छा बाबा अच्छा, तुम जरूर चलना, मेरे साथ अपना सामान भी तैयार कर लेना। अब तो खुश हूँ। वाह क्या राजा बेटा सोया है, अबे उठ सुबह हो गई है। ए रवि अरे उठ ना। अरे इसको तो बुखार है, मिट्टी की तरह जल रहा है। अरे कोई जल्दी आओ, 110 डिग्री बुखार हो गया इसे। सरोज मैं दवाई लाकर फिर ऑफिस जाऊंगा। अच्छा जरा रवि की देखभाल करना है। मेरी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी देखभाल करने वाली मौजूद है। अरे फिर भी कुछ नहीं, वो तो अच्छा हुआ भगवान ने उस बेचारी को एक मौका तो दिया पति के पास रहने का। तुम देखना इस बुखार में सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ऐसा? हाँ तो ऐसा बुखार मुझे भी आ जाए। छी नहीं चलो अच्छा नहीं आ रहे। हाँ? 9 बज गए। बुखार में क्यों उठ रहे हो? मैं मुझे तो वहां जाना है, बहुत देर हो गई। इस बुखार में भी जाना जरूरी है क्या? हाँ अगर मैं ना जाने दूं तो? पार्वती तुम नहीं जानती, पार्वती तुम क्या कर रही हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बुखार की वजह से बार बार मैं आपके नजदीक आती हूँ, इसीलिए आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं ना, पर मैं इस हालत में आपको नहीं जाने दूंगी। पार्वती हाँ आप मुझसे नफरत कीजिए, मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। मैं प्यार नहीं मांगती, खुशी नहीं मांगती, पर सेवा करना तो मेरा हक है, सिर्फ ये हक मांगती हूँ, इसे मुझसे मत छीनिए, और चाहे सब कुछ छीन लीजिए। किस पर तुम्हारा क्या हक है क्या नहीं ये तुम नहीं जानती पार्वती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जो कुछ तुम सोच रही हो वो गलत है? क्या गलत है क्या ठीक है ये मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना पूछती हूँ मेरा दोष क्या है जिसके लिए मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम्हारा कोई दोष नहीं और मैं तुमसे नफरत नहीं करता पार्वती। तो फिर मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो? मैं जो बात कहूँ क्या उस पर विश्वास करोगी? आप पर विश्वास नहीं करूंगी तो किस पर विश्वास करूंगी? तो सुनो मैं आज तक जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारा आने वाला जीवन सुख और खुशियों से भर जाए। जो तकदीर हमारे जीवन के साथ एक बेरहम खेल खेल रही है तुम्हारी खातिर मैं उस तकदीर से लड़ रहा हूं पार्वती, और अगर तुम निर्दोष हो और मैं सच्चाई पर हूं तो एक दिन इस तकदीर पर हमारी फतह जरूर होगी, और उस दिन तुम मेरी बातों का मतलब समझोगी। तब तक इंतजार करो पार्वती, तब तक मेरा विश्वास करो। आपको मेरा इतना ख्याल है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे आओ रवि। नमस्ते माताजी। जीते रहो बेटा। हेलो। आज तुमसे बहुत नाराज है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं मैं बना लूंगा। अच्छा बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवा देती हूँ। बहुत नाराज हूँ मुझसे, क्या पढ़ रही हो? ओ बॉय वीमेन इन लव, इसमें रूठे हुओं को मनाने की तरकीब कुछ जरूर लिखी होगी, जरा मैं भी तो देखूं। आप रे इस कदर नफरत, अच्छी बात है। तो चल रवि बेटा, जिस महल में मेहमान को बुला के उससे बात भी न की जाए उस महल से तो अपनी गरीब की झोपड़ी ही बेहतर है। नाश्ते से तो भूखा रखा, अब क्या खाने से भी भूखा रखोगे? तो इसका मतलब है कि बंदे को खाने की दावत दी जा रही है। शुक्रिया, मगर डॉक्टर ने मुझे खाने को मना किया। डॉक्टर ने? क्यों क्या हुआ? डॉक्टर कहता था कि मुझे बुखार है। ऐसे से बहाने ढूंढकर लाते हो कि जवाब नहीं। देखो कहाँ है बुखार। अरे तुम्हें तो सचमुच जोर का बुखार है, पहले क्यों नहीं कहा? कोई सुनता तो कहता ना, दीवारों से थोड़ा ही कहता फिरूंगा। आई एम सॉरी, चलो
आराम से बैठो, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। इतना बुखार था तो फिर आए क्यों? वाह जवाब दे, हसीनों का इंसाफ भी है निराला। आए तो मुजरिम, ना आए तो मुजरिम। शायरी बाद में करना, अभी आराम से बैठ जाओ। लक्ष्मी। कुछ नहीं। क्या बात है, कुछ खोए खोए से लगते हो? नहीं तो? कुछ तो है, क्या छिपा रहे हो मुझसे? नहीं नहीं, छुपाने की कोई बात नहीं, एक छोटी सी उलझन में फंस गया हूँ। तुम्हें बताना भी चाहता हूँ और फिर सोचता हूँ कि सुनाकर तुम्हें परेशानी करूंगा, फायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुझे सुनाने के काबिल नहीं समझते तो ना बताओ। ओहो, कहा ना, तुम्हें खामखा की परेशानी होगी। मुझे उम्मीद है दो चार रोज में सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें सारी बात सुनाऊंगा। तो हंसो। आइए आइए। ओके ओके ओके, तुम हमको ऑनेस्ट आदमी मालूम होता है, कम से कम एड्रेस रख लिया है, ईमानदार आदमी है तुम। अजय साहब, मैं तो बचपन से ही ईमानदार पैदा हुआ हूँ, लेकिन कल ये गलती से गलती हो गई। नेवर माइंड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप चाय पियेंगे ना? अरे कमाल है, इसी के लिए बुलाया है और पूछते हो? आप ठहरिए, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। ऑलराइट ऑलराइट। सरोज, अरे चाय पीने वाले आ गए। उठिए, उठो कुर्सी। कैसे लोग हैं? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। अरे कोई जवाब नहीं, हमारा बेइज्जती किया। रवि, यू आर हियर, यानी कि तुम यहाँ हो। भाई साहब, आप गलत कमरे में घुस आए हैं, अपनी कोठड़ी तो वहाँ है। सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज योर वाइफ्स रूम, तुम्हारा बीवी का कमरा है। योर वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरा मतलब है तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है। कैसे यहाँ से गई? वो मेरी बीवी नहीं है, वो रवि भैया की पत्नी है। ओह नेवर माइंड नेवर माइंड, मैं समझा तुम्हारी पत्नी है। वो यू मीन रवि का इससे शादी हुआ है? इसका रवि से शादी हुआ है। ओ, मैं समझा रवि का इससे शादी हुआ है। यू मीन रवि इज मैरिड, रवि का शादी हो गया? हाँ, पक्की शादी हो गई। रवि इज मैरिड, वेरी गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज, आई विल सी। मैं तो कहती हूँ बेटा, अब शादी में और देर नहीं करनी चाहिए, आजकल इन पुरानी बातों का कोई ख्याल नहीं करता। सोचने की कोई बात नहीं बेटा, बस तुम हाँ कर दो, बाकी सब इंतजाम मैं करा दूंगी। आखिर तुम क्या सोच रहे हो रवि जी? सोचने दीजिए ना मालकिन, अगर ये फैसले के लिए कुछ वक्त चाहते हैं तो उसका इन्हें मौका दीजिए। यूं किसी नौजवान पर जबरदस्ती शादी थोप देना अच्छा नहीं, हो सकता है ना कोई इतराज हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर कुछ दिन और। ठीक है, महीना 15 दिन तो बेटा हमें भी इंतजाम के लिए लगेंगे, आखिर तुम लोगों की शादी ऐसे थोड़े ही होगी, बड़ी धूमधाम से होगी। अच्छा माता जी, अब मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा। कौन है बे? रवि, आई एम सॉरी। जरा देख कर चला करो। देख के? रवि, मैं सब देख के आया हूँ, थैंक यू वेरी मच रवि, थैंक यू। दीवान जी, आप आज ही सब काम शुरू कर दीजिए। बेहतर। हेलो डैडी, हेलो हेलो। आओ लाडली बेटा, तुम भी ठीक वक्त पर आए। आई एम ऑलवेज राइट, यानी मैं हमेशा ठीक वक्त पर आता हूँ। बेटा, मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ले और देख किसी का नाम न रह जाए, वरना शिकायत आएगी। मगर व्हाट फॉर, यानी किस बात की दावत है? लक्ष्मी की शादी के लिए। शादी? वंडरफुल माता जी, वंडरफुल। तो बेटा, तुम लोग सब इंतजाम पूरा कर दो, मैं अगले महीने ही शादी कर दूंगी। अगले महीने? हाँ। लेकिन अगले महीने मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे छुट्टी नहीं है। अरे बुद्धू, ये तेरी शादी नहीं, ये लक्ष्मी और रवि की शादी की बात। व्हाट, उस धोखेबाज के साथ? अरे वो तो शादी कर चुका है। बुद्धू? मैं बुद्धू? सच्ची बात कह रहा हूँ, रवि दूसरी शादी करेगा तो कैद हो जाएगा। ये क्या बकवास है? माता जी, आप मेरी बात मानिए, रवि आपको धोखा दे रहा है, उसकी शादी हो चुकी है। सच बेटा? यस। झूठ, ये सब झूठ है, ऐसी बात फिर की तो मैं बाप बेटे दोनों को घर से निकाल दूंगी। मगर ये सच है, मैं अपनी आंखों से उसका बीवी देख कर आया हूँ, वो उसके घर में है। तू ये सच कह रहा है लाडली? यस। चल लक्ष्मी, चल कर देख आएंगे। मुझे नहीं जाना है माँ, मैं अपने रवि को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें विश्वास न हो तो जाकर देखो, लेकिन इसके बाद
ये दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। Agreed, यानी मंजूर है। माताजी, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए, मैं आपको उसकी बीवी दिखाता हूँ। सीताराम, मालकिन की चादर लेकर आ। यही है, देख लीजिए अच्छी तरह, ये रहा रवि और उसकी बीवी। देखिए अपनी आंखों से, देखिए। नमस्ते माता जी। ये लड़की कौन है, तुम्हारी पत्नी है? मैं आपको फिर बताऊंगा माता जी। अभी फिर बताने को कुछ बाकी है? मेरी बेटी की खुशी तो बर्बाद कर चुके हो, अब क्या इस बेचारी का जीवन भी बर्बाद करना चाहते हो? बेशरम, धोखेबाज। माता जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। माता जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। चुप रहो, मक्कारिया दगाबाजी के घाट होती है। तुम आज सुबह में लक्ष्मी से शादी की बातें कर रहे थे, मालकिन बेचारी तुम्हें देवता समझती रही और तुम काले नाग की तरह इन्हीं को रस्ते की फिक्र में थे। मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रही हैं। मैं आपको इस वक्त कैसे समझाऊं कि ये सब एक तकदीर का खेल है। मैंने आज तक आपको धोखा नहीं दिया माता जी, मैंने आज तक आपको धोखा नहीं दिया। भगवान के लिए आप मुझ पर भरोसा कीजिए। अब ये कहानी अब बहुत हो चुकी रवि। इधर एक लड़की से चोरों की तरह शादी करके उसे घर में छिपा रखा और उधर मेरी लड़की के गले पर भी छुरी चलाना चाहता। मेरी बात तो सुनिए माता जी। डाकू, कहां गई मेरी शराफत और आपकी शराफत कहां गई? एक पत्नी के सामने उसके पति से अपनी बेटी की प्यार की और शादी की बातें करना कहां की शराफत है? जी जी, ऐसे आदमी का तो मुंह भी देखना पाप है। चलिए दीवान जी। माता जी, माता जी सुनिए तो। मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। हट जाओ पार्वती, हट जाओ, तुम नहीं जानती तुमने क्या कर दिया। हौसला कर भाभी, धीरे चल, सब अच्छा हो जाएगा। मेरा दम घुट रहा है सरोज, अब कुछ ठीक नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। भाभी रो मत भाभी, अब मैं जानती हूँ वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उन्होंने मुझ पे तरस खाकर मुझसे शादी की है, पर प्यार किसी और से करते हैं सरोज। मैं उनके प्यार के रास्ते में आ गई, मैं क्या करूं सरोज? नहीं भाभी, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है भाभी। झूठ नहीं सरोज, ये सच है, सच है सरोज। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता माँ, कहो नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है बेटी, सच है। बुलाओ जी, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। रामू, जल्दी से डॉक्टर को लेके आ। इसे होश कब तक आ जाएगा? घबराइए नहीं, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। इन्हें पूरे आराम की जरूरत है। आराम तो इन्हें दिल्ली में मिल ही नहीं सकता डॉक्टर साहब। अगर आपकी राय हो तो इन्हें मसूरी भेज दिया जाए, वहाँ इन्हें शांति भी मिलेगी और पूरा आराम भी। यदि ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, बल्कि इन्हें फौरन ले जाएं तो सबसे बेहतर है। अच्छी बात है, तो मैं आज ही इसे लेकर मसूरी चली जाऊंगी। नमस्ते। अरे, ये ऊंट की तरह गर्दन उठा कर किधर जा रहे? लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी बीमार है। बीमार है? क्यों, क्या हुआ उसे? तुम्हें उससे मतलब? तुम्हें क्या काम है ये बताओ। दीवान जी, आप लोगों को गलत फहमी हो गई, मैं उसे सब कुछ समझाना चाहता हूँ। ओ तो अभी तक कलेजा ठंडा नहीं हुआ दीवान जी? फिर कोई नई चाल चलने चाहते हो? अगर कुछ भी शर्म बाकी है तो सीधी तरह वापस चले जाओ, वरना बुरी तरह मार जाओगे। मैं खुद ही चला जाऊंगा। सीताराम, ये खातों से बड़ा देने वाला। बहुत बुरी बात है, शादी किसी से, इश्क किसी से, क्या समझ रखा है उसने अपने आप को? उसे आने तो दो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। हाँ रवि, ओ रवि, बहरा क्या है ये, क्या मजाक बना रखा है? मजाक?
मजाक तो मेरे साथ हो रहा है। चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी हरकतें करते हो? राम स्वरूप, तुम कुछ नहीं जानते, ज्यादा बातें मत करो। मैं नहीं जानता, तुम्हारे इस नाटक को सारा जहान जानता है। एक बीवी के होते हुए तुम दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवाब दो ना, मैं कहता हूं जवाब दो मुझे। मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो, कुछ बोलो। तो बता दो सारी बात। हाँ, खोल दो इस नाटक का राज। हाँ, तो सुनो, ये पार्वती। रवि, ये क्या बेवकूफी है बेटा, जोश में आकर सही गलत का कोई अंदाज नहीं रहा। काका, बेटा सब कुछ भूल गए जो मैंने समझाया था। काका, आप नहीं चाहते यहाँ क्या हो गया, मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। कुछ तबाह नहीं होगा बेटा, कुछ तबाह नहीं होगा। इधर आओ मेरे साथ, आराम से बैठकर सब बतलाओ मुझे। पार्वती को मेरी सेवा करते देखा है, वो मेरी पत्नी नहीं है। वो एक मासूम लड़की पार्वती है जो ट्रेन एक्सीडेंट के बाद गलती से मुझे अपना पति समझ रही है। मैं उस बेचारी के पति को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मिलते ही उसकी अमानत उसे सौंप दूंगा। इससे पहले उस लड़की को अगर ये पता चल जाए तो वो आत्महत्या कर लेगी। इसी कारण उसके सामने मैं माता जी को कुछ न कह सका और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। भाभी, ये क्या पागलपन है, घर में झगड़े होते रहते हैं लेकिन पति पत्नी का रिश्ता तो नहीं टूटता। सरोज, वो मेरे पति नहीं, वो मेरे पति नहीं है। क्या कह रही हो भाभी? हाँ सरोज, आज तक मैं धोखे का जीवन बताती रही हूँ। ये मेरा घर नहीं, यहाँ मेरा कोई नहीं। भाभी, सरोज, मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं, मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। नहीं भाभी, क्या मेरे रास्ते से सरोज? नहीं भाभी, नहीं छोड़ भाभी, भाभी। क्या हुआ बेटी? बापू, भाभी चली गई। पता नहीं, कहती थी तुम उसके पति नहीं हो। उसने मेरा खत पढ़ लिया। ये बड़ा अनर्थ हो गया बेटा, वो तो आत्महत्या कर लेगी। आत्महत्या? नहीं। बेटी लेटी रहो, मुझे मर जाने दिया होता। क्या बात है बेटी, क्या पति से झगड़ा करके जमुना में कूदी थी? पति? नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा रहे हैं। घर? मेरा कोई घर नहीं है, इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तेरा कोई नहीं है तो चल, हमारे घर चलेगी बेटी। तेरा नाम क्या है बेटी? पार्वती जी, मैं तो जमुना। जमुना? अच्छा अच्छा जी। हालत बना रखी है कमरे में। अच्छा जमुना, तू ही बता, इस बुढ़ापे में मुझसे ये सब काम हो सकता है? तो फिर गोपाल को शादी करना चाहिए ना, लेकिन उसे कौन समझाए,
मैं तो कहते कहते थक गई कि बाबा घर में बहू ले आ, बहू ले आ, लेकिन ये लड़का मेरी एक बात नहीं सुनता। आप रहने दीजिए माता जी, मैं कर देती हूँ। मैं तो तंग आ गई, या दिन भर तस्वीरें बनाता रहेगा या किताबें पढ़ता रहेगा, माँ की बात का तो बिल्कुल ख्याल नहीं। अच्छा बाबा, जब तक मैं जिंदा हूँ कर लेना, फिर देखती हूँ कौन करेगा इसका काम। माता जी, ये तस्वीर, अरे ये तस्वीर, जम्मा इस तस्वीर को उठाकर कहीं बंद कर दे बेटी, जब इसे देखता है खामखा उदास हो जाता है। मैं तो इस तस्वीर से तंग आ गई। क्यों, ये किसकी तस्वीर है? अरे इसके एक दोस्त मनोहर की है, इसी की बहन से कहीं शादी कराया था। शादी? तो फिर बहू कहाँ गई? अरे वो भी एक कहानी है, आते वक्त ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और वो उसी में मर गई। उसी दिन शादी की, उसी दिन चिता जला कर आया। भला इसे भी कहीं शादी कहते हैं? ला जमना, ये तस्वीर तू मुझे दे दे, मैं इसे कहीं छुपा कर रख देती हूँ। नहीं नहीं माता जी, मैं इसे छुपा कर रख दू, ऐसी जगह रखूंगी जहाँ कोई देखने न पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले यही काम कर।
रुक क्यों गई? जा, जा और उन्हें कह दे कि जिस पार्वती को आप मरी समझते हैं, मैं आपकी दासी अभी जिंदा हूं। जा। ये ठीक नहीं है माँ, मैं सच कहता हूँ, इस लड़की जमुना का इस घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ओहो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, एक ब्याहता लड़की का इस तरह किसी दूसरे आदमी के घर में रहना बिल्कुल गलत है। किसके लिए गलत है? जमुना के लिए, सारी दुनिया उस पर शक कर सकती है, उसका अपना पति उस पर शक करेगा। वो मूर्ख होगा जो ऐसी लड़की पर शक करेगा। इसमें मूर्खता की बात नहीं है माँ, मर्द की फितरत में ही शक होता है। कल को जब उसका पति मिल जाएगा और उसे ये पता चलेगा कि वो मेरे रहते हुए इस घर में रही है, जरूर उस बेचारी पर शक करेगा। कोई पति ऐसी सूरत में औरत को अपने घर में नहीं रख सकता, ये दुनिया का कायदा है। दुनिया चाहे जो कुछ कहे, मैं नहीं मानती। माननी पड़ती है माँ, अगर तुम्हारी बहू इस तरह किसी दूसरे घर में जाकर रहती तो तुम क्या उसे मंजूर कर लेती? तुम उस पर शक न करती? पर मेरी बहू क्यों इस तरह किसी और के घर में रहने लगी जाके? आखिर वो कोई मेरी बहू थोड़ी है, एक गरीब बेसहारा लड़की है, उसकी अच्छाई बुराई से हमें क्या लेना देना? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारी बहू इस तरह किसी दूसरे घर में जाकर रहती तो तुम क्या उसे मंजूर कर लेती? तुम उस पर शक न करती? पर मेरी बहू क्यों इस तरह किसी और के घर में रहने लगी जाके? अगर इन्होंने भी मुझ पर शक किया तो? मुझे रास्ता दिखाओ प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे अपने घर तक ले आए हो, अब मुझे बेसहारा मत करना। दुनिया मुझ पर शक कर सकती है पर तुम तो सब कुछ जानते हो, मेरी सहायता करो प्रभु। पति चरणों की छाया मेरे सर पर रहने दो, बहू बनकर न सही दासी बनकर इस घर में पड़ा रहने दो मुझे। मैं और कुछ नहीं मांगती, मैं और कुछ नहीं मांगती प्रभु। की मजबूरियाँ, हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, पास रह कर भी है कितनी दूरियाँ दूरियाँ, हाय रे इंसान की मजबूरियाँ। कुछ अंधेरे में नजर आता नहीं, कोई तारा राह दिखलाता नहीं, जाने उम्मीदों की मंजिल है कहाँ, जाने उम्मीदों की मंजिल है कहाँ, हाय रे इंसान की मजबूरियाँ। शम्मा के अंजाम की किसको खबर,
खत्म होगी या जलेगी रात भर, शम्मा के अंजाम की किसको खबर। खत्म होगी या जलेगी रात भर, जाने ये शोला बनेगी या धुआं, जाने ये शोला बनेगी या धुआं। हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रह कर भी है कितनी दूरियां दूरियां। हाय रे इंसान की मजबूरियां। ये क्या, ये बोरिया बिस्तर बांधकर जा कहां रहे हो? कहीं भी, मगर इस शहर से दूर। बेटा मैं तुम्हारी बेचैनी समझता हूं, लेकिन पागलों की तरह दरबदर की ठोकरें खाने से क्या मिलेगा तुम्हें? मगर अब इस शहर में भी कह रह गया है काका, जिस बेचारी की खातिर ये सब मुसीबतें उठाई, उस पार्वती का भी तो कुछ ना सवार सका, और उधर लक्ष्मी को वो लोग जाने कहां ले गए, कुछ पता नहीं चलता। उसके बगैर तो ये दिल्ली मेरे लिए उजाड़ हो गई है। मैं यहां नहीं रह सकता काका, नहीं रह सकता। हेलो, जी हाँ डॉक्टर साहब, लक्ष्मी की माँ बोल रही हैं। हेलो, नमस्ते। डॉक्टर साहब, आज फिर लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आपने जो दवाई भेजी वो भी तो नहीं पीती। अच्छा, ये लड़कियाँ अक्सर जरूरत से ज्यादा अपना दुख बढ़ा लेती हैं, दरअसल उसे दवाई की इतनी जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं अभी आता हूँ, घबराइए नहीं। ले बेटी दवाई पी ले। मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। लक्ष्मी बेटी, दवाई नहीं पिएगी तो अच्छी कैसे हो? मुझे नहीं अच्छा होना माँ, मुझे नहीं अच्छा होना। नहीं बेटी, ये जिद अच्छी नहीं होती। ओहो, मुझे इस तरह परेशान करोगी? मैं सच कहती हूँ, मैं अभी जाकर पहाड़ से कूद जाऊंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, गंगा, गंगा रो किसे? अरे छोड़ दो बेटा, मुझे मर जाने दो। मरने के लिए जा रही हो? हाँ। अच्छी बात है, जाओ। हाँ हाँ जाओ ना, मर जाओ जाकर। मगर मरने के लिए पहाड़ से कूदना क्या जरूरी है? मैं उसका कोई आसान तरीका तुमको यहीं बता सकता हूँ। मुझे मरने के लिए तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, तुम मुझे तरकीब बताने वाले कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? लक्ष्मी, डॉक्टर साहब से ऐसा नहीं कहते बेटी, मैंने उन्हें तेरे इलाज के लिए यहाँ बुलाया है। मुझे कोई इलाज नहीं कराना माँ, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। तुम समझती हो कि मरने की कोशिश करके तुम कोई बहुत बहादुरी का काम कर रही हो? सुनो लक्ष्मी, मैं तुम्हें एक बात समझाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ मत समझाइए, बस चले जाइए यहाँ से। आपको उपदेश करना आता है, आप खुद सुखी है ना, आपको किसी दुखिया का हाल क्या मालूम? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझे कोई दुख नहीं है? लक्ष्मी, इस संसार में मुझे कोई तो ऐसा इंसान दिखाओ जिसे कोई दुख ना हो। फर्क इतना है कि बात कमजोर लोग तुम्हारी तरह गम की मार से रोने लगते हैं, और बाद जिंदगी की आखिरी हद तक मुस्कुराते रहते हैं। डॉक्टर साहब, जब दिल जलता है तो मुस्कुराया नहीं जाता। जलने की बात करती हो तो इंसान उस आग की तरह क्यों जले जो अपने साथ सब कुछ जला देती है? जलना ही है तो उस दीपक की तरह जलो जो सिर्फ खुद जलता है मगर दूसरों को रोशनी पहुंचाता है। दीपक रोशनी पहुंचा सकता है, लेकिन मुझ जैसी बदनसीब जिसकी तकदीर में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, वो दूसरों को क्या रोशनी पहुंचाएगी? मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं रह गया। ये तुम्हारा वहम है लक्ष्मी, जिस जिंदगी को बेकार समझ के तुम खत्म करना चाहती हो,
वही जिंदगी इतने काम की है कि तुम चाहो तो लाखों इंसानों के अंधेरे जीवन में रोशनी ला सकती है। मैं किसी के जीवन में रोशनी ला सकती हूँ? मैं? हाँ, तुम अगर चाहो तो। कैसे? इस खिड़की तक मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ कैसे। उठो। सामने देखो, वो अधूरी इमारत जो सामने खड़ी है, जानती हो किसकी है? नहीं जानती। वो अंधों का एक अस्पताल है लक्ष्मी, उन मजबूर इंसानों का जिनकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम चाहो तो उनकी जिंदगी में रोशनी ला सकती हो। पर मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ डॉक्टर साहब? माता जी ने कहा है कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, ठीक है ना? हाँ, मगर डांस? लक्ष्मी, इस अस्पताल को पूरा करने के लिए हमें लाखों रुपयों की जरूरत है, जो हमारे पास है नहीं। अगर इस अस्पताल के लिए तुम चंद शो कर दो तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी, लाखों अंधे तुम्हें दुआएं देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं डांस नहीं कर सकती। मैं डांस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इससे न सिर्फ उनका भला होगा बल्कि तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम्हारा जीवन बेकार नहीं है, किसी के काम आ रहा है। लक्ष्मी, उन लाखों मजबूर इंसानों की जिंदगी में रोशनी लाओ, तुम्हारी अपनी जिंदगी में रोशनी आएगी, शांति आएगी।
दुनिया न देखे ये कैसी मजबूरी, हम कभी कोई आंखें दे दे कर दे आशा पूरी। मजबूर ऐसे भी है जिंदगी में जिनको दर दर की ठोकर खिलाती है अखियां, दर दर की ठोकर खिलाती है अखियां, कभी हंसाती है कभी रुलाती है कभी दीवाना बनाती है अखियां। क्या क्या नजारे दिखाती है अखियां, क्या क्या नजारे दिखाती है। आज पुलाव बहुत बढ़िया बना है, किसने बनाया है? जमुना ने, और किसने? अच्छा जमुना, तो अकेले कितने काम करती है, तेरी इतनी सेवा की कीमत हम कैसे चुका पाएंगे? अपने घर में काम करने की कोई कीमत होती है? माँ, इस लड़की ने तो घर में आकर घर का नक्शा ही बदल दिया है। अब तेरी समझ में आया, घर में गृह लक्ष्मी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, इसीलिए तो कहती हूँ बेटा आगे शादी कर ले। अरे शादी करके सुख मिलना भी तो नसीब की ही बात है, और इस बात का भी क्या यकीन कि शादी करके जमुना जैसी अच्छी बहू मिल ही जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी, मैं हर रोज भगवान से इसके लिए ही तो प्रार्थना करती रहती हूँ। बस तू अपनी खुशी के लिए ही प्रार्थना करती रहना, अरे कभी इस बिचारी के लिए भी तो प्रार्थना कर कि इसका पति इसको मिल जाए, अपने घर में जाके सुख से रहे। इसके लिए भी तो प्रार्थना करती हूँ बेटा, लेकिन भगवान जाने कब इस बेचारी के भाग खुलेंगे। मुझे तो उस बदनसीब पर रहम आता है माँ, जिसकी ऐसी देवी जैसी बीवी है फिर भी इसकी सेवा से महरूम है। हेलो, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आप, ओह नमस्ते माता जी। जीते रहो बेटा, आज आप लोग ये रास्ता कैसे भूल गए? हमने सोचा डॉक्टर साहब रोज हमारे यहाँ आते, आज हम डॉक्टर साहब के यहाँ चले। ओह अच्छा किया। आइए आइए बहन, आज तो आपने हम गरीबों की झोपड़ी पवित्र कर दी। नमस्ते। जीते रहो बेटी, जीते रहो। आइए आइए बैठिए ना। नमस्ते, जीते रहो बेटी। अरे घर तो बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर साहब, आपके घर में तो बहुत अच्छी पेंटिंग है। जी बस तस्वीरों के पीछे तो ये लड़का पागल है, ऊपर जाकर देख कितनी तस्वीरें बना रखी है इसने। क्या डॉक्टर साहब आपने ये तस्वीरें बनाई है? जी नहीं, बस जरा हॉबी है, उल्टी सीधी लकीरें खींच लेता हूँ। ये उल्टी सीधी लकीरें देखो तो सही, कहाँ है और पेंटिंग? ऊपर। ऊपर है तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ऊपर चलिए ना। जी घबराइए नहीं, मैं चोरी नहीं करूँगी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आइए आइए चलिए ना। लेडीज फर्स्ट। ओह थैंक यू, वेरी नाइस। अरे जमुना तू कहाँ जाती है? जी कहीं नहीं, मेहमान आए हैं उनके लिए कुछ मिठाई उठाई का तो इंतजाम कर। अच्छा माता जी। क्या बताऊं बहन, आप लोगों के एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आपके बेटे ने मेरी लक्ष्मी को नई जिंदगी दे दी, बड़ी मुद्दत में उसे इस तरह हंसते सुन रही। और गोपाल को भी लक्ष्मी का बहुत ख्याल है, वो अभी आप ही इधर जाने को तैयार बैठा था, उस रोज लक्ष्मी का डांस देखकर आया, बहुत ही तारीफ कर रहा था। और बहन लक्ष्मी तो है ही तारीफ के काबिल। आप ही की तो बेटी है। क्यों नहीं, सच पूछो तो लक्ष्मी के आने से जैसे घर में रौनक आ गई है। असल में बहन इतना बड़ा घर है, बहू के बगैर सुना सुना लगता है।
मैं तो जब इन दोनों को इकट्ठा देखती हूँ तो सोचती हूँ कितनी अच्छी जोड़ी रहेगी। आपके मुंह में घी शक्कर बहन, लक्ष्मी जैसी बहू इस घर में आ जाए तो और मुझे क्या चाहिए? सुनती हो जमुना जी? माता जी, देखती हो लक्ष्मी की माँ क्या कह रही है? क्या? गोपाल से लक्ष्मी की शादी की बात कर रही है। क्या हुआ माँ? लेंस से टकरा गए बेटा। जमुना, जमुना, माँ ये बेहोश हो गई, चोट ज्यादा लगी, ऊपर ले चलो। नंदू, नंदू जरा इधर आ। नंदू जरा उठा। हाँ जी माता जी, मैं उठाती हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं माँ, जल्द होश आ जाए। मुझे बहुत अफसोस है, हम आपके लिए एक नई मुसीबत ले आए। नहीं बहन, ऐसा क्यों सोचती हो? तुम मुसीबत नहीं लाई, तुम तो ऐसी प्यारी लक्ष्मी मेरे घर में लाई हो। I'm sorry, आपकी तस्वीरें बीच में ही रह गई। कोई बात नहीं, तस्वीरें देखने फिर कभी आ जाऊंगी अगर आने की इजाजत हो तो। of course, you are always welcome here. क्या कहती हो बेटी, ये तो तुम्हारा ही घर है। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। चलो बेटी। नमस्ते। नमस्ते। होश में आने से इसे तकलीफ होती माँ, इसलिए मैंने इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। दो चार घंटे बेचारी आराम से सोते। बाबूजी, ये तार आया है। तार? मनोहर? माँ, मनोहर जिंदा है। मनोहर? हाँ माँ, अपना मनोहर, पार्वती का भाई। अच्छा, वो जिंदा है? ये देखो तार आया है, आज ही मसूरी पहुंचने वाला है। और तू कहाँ जा रहा है? मोटरों के अड्डे पर जाऊंगा माँ, वो पहुंचने वाला होगा। गोपाल, पार्वती, अरे भाई घर पे हो? मनोहर, गोपाल, अरे भाई कहाँ हो तुम? गोपाल, गोपाल, मनोहर, मनोहर, गोपाल, तेरे पास आ ही गया ना। ये तेरी आंखों को क्या हो गया मनोहर? कुछ नहीं, एक्सीडेंट की नजर हो गई, लेकिन तुम्हें राजी खुशी देखकर अब मुझे आंखों का काम नहीं रहा। तुम लोग तो बच गए ना? हाँ, लेकिन तुम चले कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें वहां बहुत ढूंढा। यहाँ सर में चोट आ गई थी और मैं दरिया में बह गया। चंद गांव वालों ने मुझे बचाया और बहुत दिनों अपने पास रखा। चलने फिरने के काबिल होते ही मैं सीधा यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा किया मनोहर, तूने बहुत अच्छा किया। घर में इतनी खामोशी क्यों है और किसी की आवाज नहीं आ रही? अरे भाई पार्वती कहाँ है? माँ, माँ कहाँ है? माँ, माँ ऊपर है। आओ चले, ऊपर चले। आओ इधर आओ। पार्वती, माँ देखो तो कौन आया है।
नमस्ते माता जी। अरे जीते रहो मनोहर, ये तेरी आंखों को क्या हो गया बेटे? माँ आंखों का तो इलाज भी कराया जा सकता है, लेकिन ये कितनी खुशी की बात है कि इसकी जिंदगी बच गई। माँ अपना मनोहर पानी में बह गया था, गांव वालों ने बचाया है। आहिस्ता बोल बेटा, जाग जाएगी बेचारी। कौन जाग जाएगी? पार्वती कहाँ आई है, क्या हुआ इसे? पार्वती नहीं बेटा, जमुना है। जमुना? गोपाल ये जमुना कौन है? कोई नहीं मनोहर, एक दुखिया बेसहारा लड़की है, माँ ने इसे अपनी बेटी बना लिया है। गोपाल तुम मनोहर को लेकर नीचे आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय वाय बनाती हूँ। अच्छी बात, आओ मनोहर नीचे चलें। गोपाल पार्वती की आवाज सुनाई नहीं देती, क्या वो घर में नहीं है? नहीं, कहीं बाहर गई है। वो मसूरी में नहीं है मनोहर। तो कहाँ है? तुम नीचे तो चलो, सब बातें करेंगे। और मनोहर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर से तुम्हारी आंखों का इलाज कराऊंगा। मेरी पार्वती है या नहीं? तुम्हें मेरी कसम गोपाल, एक अंधे तो उसे झूठ मत कहना, मेरी पार्वती है या नहीं है? नहीं। मनोहर, 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 होश में आओ मनोहर, चलो नीचे चले, आओ चले, मनोहर, 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 चलो नीचे चले, क्या हुआ? मनोहर, मनोहर, मेरी बात सुनो, मनोहर, मेरी बात सुनो मनोहर, मेरी बात सुनो मनोहर, होश में आओ, होश में आओ, पागल मत बनो, हिम्मत से काम लो मनोहर, हिम्मत से काम लो, भगवान की यही मर्जी थी। भगवान की मर्जी ऐसी क्यों ना हुई कि मैं मर जाता, वो जिंदा रहती। उसके लिए मैंने जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी, तो क्या मैं उसे अपनी जिंदगी ना दे सकता था? एक बार भगवान मुझसे पूछते तो सही, मुझसे पूछते तो सही। बैठ जाओ। मुझसे पूछते तो सही, बैठ जाओ। मुझसे पूछते तो सही। अब मैं जाता हूँ। नहीं मनोहर, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे, मैं तुम्हारी आंखों का इलाज कराऊंगा। नहीं चाहिए मुझे इलाज, जिस दुनिया में मेरी पार्वती न रही, अब उस दुनिया को देखकर क्या करूंगा? मुझे जाने दो गोपाल, मुझे जाने दो। सुनो मनोहर, जिस पार्वती का तुम पर इतना हक था, उसके पति का तुम पर कोई हक नहीं। गोपाल, पार्वती चली गई है, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच रिश्ते का एक बंधन छोड़ गई है। उसी रिश्ते के जोर पर मैं तुमसे कहता हूं मनोहर, यह घर आज भी पार्वती का है। गोपाल, और मुझे अपना गम बांटने के लिए तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है मनोहर। गोपाल, डॉक्टर गोपाल, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ऑपरेशन से इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर भी कोशिश करूंगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपके पास अगर वक्त हो तो ऑपरेशन अभी कर दीजिए। ठीक है, आप मरीज को ऑपरेशन थिएटर में भिजवा दीजिए, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। नर्स? यस डॉक्टर। तुम इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। यस डॉक्टर, चलिए। अच्छा मनोहर, अरे जमुना देख तो बेटी किसका फोन है, कह देना डॉक्टर घर पे नहीं है। हेलो डॉक्टर जी घर पर नहीं है? जमुना मैं गोपाल बोल रहा हूँ। क्या बात है? बात कोई नहीं, तू जरा माँ से कह दे कि मनोहर की आंखों का ऑपरेशन अभी होने वाला है, मैं जरा देर से आऊंगा। मनोहर? कौन मनोहर?
अरे तू नहीं जानती, माँ से कह दे, उसे सब पता है। जी हेलो हेलो, कौन है जमुना? उनका फोन आया था माता जी, डॉक्टर जी का। क्या कहता था? वो कहते थे मनोहर का ऑपरेशन हो रहा है, वो देर से आएंगे। अच्छा माता जी, ये मनोहर कौन है? अरे वही मनोहर, गोपाल का दोस्त, जिसे हम समझते थे कि एक्सीडेंट में अपनी बहन के साथ वो भी चल बसा है। वो जिंदा है? जिंदा तो है, पर आंखें खो बैठा है, अंधा हो गया है बेचारा। गोपाल उसे अपना अस्पताल ले गया है। माता जी, मैं बाजार लेने जा रही हूँ। तो तू क्यों जाती है? नंदू को भेज देना। नंदू? नंदू नहीं है माता जी, मैं ही ले आऊं। मैं ही ले आती हूँ माता जी। अच्छा जा, जल्दी आ जाना। मनोहर कहाँ है? नहीं माता, मनोहर कहाँ है? कौन मनोहर? जिनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हो गया? हाँ हो गया। उनकी आंखें ठीक हो गई? अभी नहीं, 10 दिन बाद पट्टी खुलेगी तो पता चलेगा। कहाँ है वो? वो देखो ला रहे हैं। क्यों, आप कौन है? मैं जमुना, तू यहाँ कहाँ आ गई? मैं आपके पास आई हूँ। क्यों, क्या बात है? बात तो कुछ नहीं, मैं यही कहने आई थी, मुझे अपने अस्पताल में नर्स बना लीजिए। नर्स? नर्स बनकर तू क्या करेगी? यहाँ इतने दुखिया लोग आते हैं, उनकी सेवा करूंगी। मगर तुझे नर्स का काम आता भी है? सेवा करना तो आता है, बस उनकी सेवा क्या करूंगी। घर में थोड़ा सा काम होता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है, बाकी समय बेकार जाता है। डॉक्टर जी, घर का काम खत्म करके मैं यहाँ आ जाया करूँ। अच्छा बाबा अच्छा, मगर तू इस तरह गिड़गिड़ाती क्यों है? अगर तेरे मन को दुखी लोगों की सेवा करने से शांति मिलती है तो आ जाया कर, मैं माँ से भी कह दूँगा। नर्स जी। डॉक्टर, ये लड़की जब भी यहाँ आए जिसकी भी सेवा करना चाहे करने दिया। अच्छा डॉक्टर, अब तो खुश हुई ना? चलिए डॉक्टर। देखिए तुम्हें इनकी सेवा करनी है ना, यहाँ बैठ जाओ, जब इन्हें होश आ जाए मुझे खबर देना। हाँ सुनो, अगर ये पानी मांगे तो पानी नहीं देना, वहाँ बर्फ रखी हुई है, बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा दे देना। दर्द होता है, दबा दो। क्या चाहिए? पानी चाहिए। अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। लो। बहुत दर्द होता है। दर्द, दर्द अब क्या होगा? दर्द की तो इंतहा हो चुकी है। तुम कौन हो? मैं यहाँ की एक नर्स हूँ। ओह, तुम्हारी आवाज बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। ऐसे धोखा होता है जैसे मेरी पार्वती मेरे पास बैठी हो। थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी पार्वती समझ लो भैया। जीती रहो, जीती रहो।
लक्ष्मी, फिर वही उदासी? नहीं तो मैं उदास कहाँ हूँ माँ। मैं सोच रही थी डॉक्टर साहब को बताऊंगी कि मैंने 32,000 रुपए चंदा जमा किया है तो वो कितने खुश होंगे। लक्ष्मी, इस हंसी से तू दुनिया को धोखा दे सकती है, अपनी माँ को नहीं। माँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं सच्चे दिल से तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। तू मुझे सचमुच खुश रखना चाहती है तो मेरा कहना क्यों नहीं मानती? बेटी, डॉक्टर गोपाल बहुत अच्छा लड़का है। माँ, फिर तुमने वही शादी की बात छेड़ दी। मैं तुम्हारे लिए हंसती हूँ, गाती हूँ, यही काफी है। मुझे शादी के लिए मजबूर न करो, मेरा दिल नहीं मानता। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो उस लड़की का इलाज कर रहा हूँ, उसे शादी करने का मेरा कोई ख्याल नहीं। तो क्या डॉक्टर जिसका इलाज करता है उसे शादी नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं। क्यों इरादा नहीं? कब तक इन बुरी हड्डियों को इस घर की चक्की में पीसता रहेगा गोपाल? अपना ना सही, मगर माँ की खुशी का तो ख्याल कर बेटा। अपनी खुशी की चिंता में तुम ये क्यों भूल जाती हो कि इससे मनोहर के दिल पर क्या बीतेगी? इस शादी से उसके जख्मों पर क्यों नमक छिड़कना चाहती हो? माँ, इस बात को भूल जाओ। दवा पी लो। थैंक यू सिस्टर। भैया, कई दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझसे? बोलो, क्या बात है? भैया, मैं बड़ी उलझन में हूँ। तुम्हें अपनी कहानी सुनाकर तुम्हारी राय लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहन, बोलो क्या बात है? मेरे साथ तकदीर ने अजीब खेल खेला है भैया। मैं गलती से एक पराए पुरुष को अपना पति समझ के उसके पास रही हूँ। ओह, पर ये गलती हुई कैसे? ये एक अनोखी कहानी है भैया। शादी के बाद जब मेरी डोली जा रही थी तो एक सुनसान जंगल में रात हो गई। उस रात को एक भयंकर तूफान आया। उस तूफान में हम सब एक दूसरे से बिछड़ गए और भटकते भटकते मैं किसी दूसरी बारात के डेरे में पहुंच गई। फिर? और जो मेरा पति नहीं था उसे अपना पति समझ बैठे। अरे, तो क्या दुल्हन ने भी तुम्हें अपनी दुल्हन समझ लिया? हाँ, कुछ दिन उन्हें भी ये गलतफहमी रही। पर भैया, भैया प्रभु ने मेरी पवित्रता पर दाग नहीं लगने दिया, उससे पहले मुझे सच्चाई का पता चल गया। मगर दुनिया, दुनिया इस सच्चाई को कभी नहीं मानेगी। तुम्हारे पास अपनी पवित्रता का क्या सबूत है? फिर क्या हुआ? तुम्हें अभी तक अपने पति का कुछ पता चला या नहीं? पता? उनका पता तो चल गया है भैया, लेकिन मैं बड़ी दुविधा में हूँ। यही तुमसे पूछना चाहती हूँ, इन हालात में उन्हें अपनी असलियत बताऊं या ना बताऊं? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है सिस्टर। मेरी राय तो ये है कि जब तक तुम अपनी सच्चाई और पवित्रता का सबूत ना दे सको, अपने पति को असलियत बताकर सिर्फ जिल्लत और रसवाई मोल लेने का खतरा है। मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। कभी ये सोचती हूँ इस दुनिया में मेरा एक भाई भी है, उससे जाकर मदद मांगो। नहीं सिस्टर, ऐसा कभी ना करना। क्यों? ये उससे भी बुरी बात है। क्यों भैया? सिस्टर, सच्ची बात तो ये है कि हमारे समाज में किसी लड़की का कलंक पति से ज्यादा उसके बाप और भाई की इज्जत को धब्बा लगाता है। पति तो शायद माफ भी कर सकता है, लेकिन बाप और भाई वो अपनी लड़की का कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकते। रो रही हो क्या? नहीं तो भैया। तुमने मुझसे पूछा था सिस्टर, तो मैंने एक भाई की तरह तुम्हें सच्ची बात कह दी। मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, मगर समाज तो नहीं मानेगा, कोई इस बात को नहीं मानेगा। मनोहर। मान्य जी, नमस्ते। कैसे हो मनोहर?
अच्छा हूँ मेरे दोस्त। क्यों भाई, ये नई नर्स कुछ ठीक काम करती है या नहीं? ये तो बहुत अच्छी है गोपाल, ये बेचारी बहुत दुखिया है। मनोहर, मैं तुझसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। जी हाँ कहिए माता जी। माँ, मैंने तुम्हें मना किया ना, तुम फिर मनोहर से वही बात करने लगी। फिर किससे करूँ? इसी की वजह से तू शादी करने से इनकार कर रहा है ना। मनोहर तू ही बता, अब पार्वती तो लौट कर नहीं आ सकती, तो क्या उसके खातिर ये सारी जिंदगी यूं ही बैठा रहेगा? बेटा, मैंने लक्ष्मी की माँ को वचन दे दिया है, इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी लड़की है, मैं जोर देती हूँ तो कहता है इससे मनोहर को दुख होगा। माँ माँ, मैं तुम्हें सर मनोहर को परेशान नहीं करने दूंगा। एक डॉक्टर के हैसियत से मैं तुम्हें फिर मना करता हूँ, इस वक्त इसे ऐसी बातें मत करो। अरे डॉक्टर साहब। हेलो लक्ष्मी, आओ। आइए बहन। ओ तो आप यहाँ हैं, देखिए हम आपकी तलाश में कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया वाली असली बात तो मैंने बताई नहीं। पता है अंधों के अस्पताल के लिए इस हफ्ते मैंने कितना चंदा इकट्ठा किया है? कितना? 32,000 रुपये, मसूरी की आधी कोठियों में घूम घूम के इकट्ठा किया है। वंडरफुल, तुमने कमाल कर दिया। मनोहर, ये है लक्ष्मी देवी, हम जो अंधों का अस्पताल बनाना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कितने ही शो किए हैं, और देखो अब कितना चंदा इकट्ठा करके लाई हैं। लक्ष्मी देवी, मैं तमाम अंधों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया तो डॉक्टर साहब का कीजिए जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया है। आपको अगर अंधों से इतनी हमदर्दी है तो क्या इस अंधे को भी कुछ दे सकती हैं आप? क्या चाहिए आपको? मुझे एक बहन चाहिए। मेरी एक बहन थी जिसे भगवान मुझसे छीन के ले गए। अगर मैं इसके काबिल हो सकती हूँ तो मुझे अपनी छोटी बहन समझ लो भैया। भैया दिल से कहा है या एक अंधे से जबानी हमदर्दी की? नहीं, दिल से कहा है, दिल से कहा है। भैया कहा है तो भैया का कहना भी मानना पड़ेगा। आज्ञा दो भैया। लक्ष्मी, लक्ष्मी मुझ पर बहुत बड़ा कर्जा है, उसे चुका दो बहन। कर्जा? किसका कर्जा है भैया? गोपाल की माता जी का। लक्ष्मी, मैंने अपनी बहन को बहू बनाकर इनके चरणों में सौंपने का फैसला किया था, मगर मौत उसे रास्ते में ही छीन के ले गई। बहन बनी हो तो इस लाचार भाई का ये फैसला भी पूरा कर दो। भैया, इस घर में मेरी बहन की जगह खाली है, वो पूरी कर दो, ये घर मुझे खाली नहीं देखा जाता। मनोहर, नहीं गोपाल। ये क्या कह रहे हो मनोहर? गोपाल, तुमने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं, एक एहसान और कर दो, ये शादी कबूल कर लो मेरी खातिर। मेरे दोस्त, मेरे लिए यही मेरी छोटी बहन है, यही मेरी पार्वती है, इसे स्वीकार कर लो गोपाल, इसे स्वीकार कर।
तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बना बना के चौपट हो गया। क्या हुआ डैडी? राज साहब, मालकिन लक्ष्मी की शादी मसूदी में किसी डॉक्टर गोपाल से कर रही है और हमें बुलाया तक नहीं। ये सब तेरा कसूर है। मेरा क्या कसूर है? तेरा नहीं, मेरा कसूर है जो तेरे जैसे बुद्धू को जन्म दिया। दासी बन गरीब की सेवा करती रहूं। नंदू, जमुना कहाँ है? पता नहीं माँ जी। जमुना, ओ जमुना! बेटे तू यहाँ क्या कर रही है? ले, ये तेरे लिए कपड़े लाई। कपड़े? मेरे लिए? हाँ हाँ, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे बरी लेकर दुल्हन को मेहंदी लगाने जाना। मेहंदी? हाँ, बाहर लड़कियाँ तेरा इंतजार कर रही हैं। चल बेटे, जल्दी से तैयार होके आ जा। दासी कहता है, तू तो मेरी बेटी है बेटी। चल लगन का मुहूर्त बीता जा रहा है, चल जल्दी कर। नहीं नहीं माता जी, मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती मैं। ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर मैं देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ डॉक्टर। ये देखिए, ये टेलीफोन, ये किताबें, ये अखबार, मैं पढ़ सकता हूँ डॉक्टर, मैं पढ़ सकता हूँ। ये देखिए, ये टाइम, ये स्टेशन, ये नेशनल हेराल्ड, ये नवभारत टाइम। पार्वती जिंदा है। तुम्हारी आवाज बिल्कुल मेरी बहन की तरह है।
मुझे अपनी पार्वती समझ लो भैया, इस दुनिया में मेरा एक भाई भी है। नर्स, वो नर्स कहाँ है? मैं ये नहीं कर सकती। पार्वती जिंदा है, पार्वती जिंदा है। पार्वती जिंदा है? हाँ, वो नर्स, वही पार्वती है। नर्स? जमुना? जमुना नहीं, वही पार्वती है। कहाँ है वो? वो तो अभी अभी इधर भाग गई। कहाँ भागी जा रही हो? रवि यहाँ नहीं आया? रवि? रवि? रवि का यहाँ क्या काम? बहन जी, हम सब एक बड़ी गलती का शिकार हो रहे हैं। रवि लक्ष्मी की तलाश में शहर शहर भटक रहा है। मेरा रास्ता मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। बहन जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आपको गलत फहमी हो गई है। बेटी लक्ष्मी, ये खत रवि तुम्हारे पास भेजना चाहता था, इसे पढ़कर तुम्हें सारी सच्चाई का पता मालूम हो जाएगा। बेटी, बस इसे एक बार तुम पढ़ लो, केवल एक बार। बेटी, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें इस तरह कभी नहीं जाने दूंगा। पार्वती, भैया, पार्वती, भैया, पार्वती, 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 तूने एक अंधे भाई से झूठ क्यों कहा? भैया, नर्स बनकर मेरी सेवा करती रही, मुझसे ये नहीं बताया कि तुम मेरी पार्वती हो। भैया, मुझसे झूठ क्यों कहा? पार्वती, मुझसे झूठ क्यों कहा? भैया, मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं। भैया, क्यों लायक नहीं हो पार्वती? क्यों? मैं तो अपने को मनोहर की तरह तुम्हारे भाई समझता हूं। मैंने अपनी बहन की तरह तुम्हें अपने घर में रखा था। तुम गंगा की तरह पवित्र हो पार्वती, तुम गंगा की तरह पवित्र हो। मैं सारी दुनिया के सामने इसकी गवाही दे सकता हूँ। इसके लिए गवाही की जरूरत नहीं, ये देवी अपनी पवित्रता का खुद ही सबूत। पार्वती, मैं इतना बुरा आदमी तो ना था, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों ना किया? मुझे सच क्यों ना बता दिया? भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं पार्वती, उठो। गोपाल, गोपाल, ये सच है? हाँ माँ, यही तुम्हारी बहू है। माता जी, सदा सुहागा, सारा दुख अपने दिल में ही छुपाए रखा, कभी जुबान तक नहीं खोली। लो, ये रहा रवि। लक्ष्मी, काका ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मुझे माफ कर दो रवि। नहीं नहीं लक्ष्मी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इसमें किसी का दोष नहीं बेटा, ये तो तकदीर का खेल था। तकदीर ने जब चाहा सबको अलग कर दिया और जब चाहा सबको मिला दिया। अरे बापू, तकदीर ने नहीं मिलाया, मैंने मिलाया है। लक्ष्मी ने मसूरी में जो डांस किया था उसका फोटो अखबार में आया तो मैंने रवि भैया को खबर दिया, तब ये दोनों मिले। आप बहुत बड़े इंसान हैं, हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी दोनों बहनें आज अपने अपने घर पहुंच गईं, आज सचमुच मेरी आंखों में रोशनी आ गई। अरे अरे अरे, घूंघट मत निकालो, नहीं तो फिर से गलती हो जाएगी।